Hello friends, welcome to my channel. Have you noticed lately that children are sounding too very over smart, overconfident? They have this fake confidence which is so annoying. मतलब जब बड़े बात कर रहे हैं तो ये आके इंटरफियर करेंगे या बैक आंसर करेंगे. ऐसा नहीं कि जब हम बच्चे थे तो आंसर नहीं करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, दो चार लाफे मिल जाते थे हमें. बट नाउडेज आई सी द पेरेंट्स देमसेल्व्स आर इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बी क्रिंजी एंड क्रीपी एंड वियर्ड. मतलब आई न्यू अबाउट वन लेडी, वो जो ड्राइंग बुक रहता है ना, उसमें वो पूरी कलर करके रखती थी और बोलती थी इसके 3 साल के बच्चे ने कलर किया. एंड शी इज टू की बोस्टिंग, देखो कितना कितना साफ हाथ है, जस्ट 3 ईयर्स ओल्ड ना. And that child used to be pretty demanding and annoying kinds. But because it's a child, right? It's supposed to be a child. It's not supposed to be perfect. So this is the way people are like, you know. They encourage or enable toxic behavior in their children. मतलब वो back answer कर रहे हैं या खुद अपने घर के अंदर जो parents है वो बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, या उनका खुद का इतना बैड हैबिट्स है या टॉक्सिक बिहेवियर है विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द चाइल्ड. लाइक मे बी द फादर इज टू ओवर कॉन्फिडेंट, मे बी द मदर इज ऑलवेज बैक आंसरिंग द हस्बैंड. सो ये कहाँ से आता है, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? वो तो अपने पेरेंट्स ही सीखेंगे ना ये सारी नास्ती हरकतें. So we have to be cautious. मैं ये नहीं बोलती कि we can be perfect, but at least we can be cautious, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ही irritating बन गए आजकल. Like you know, हाजिर जवाबी देना, या अब शायद वो पिक्चर देखते हैं या ऐसे कार्टून देखते हैं, आई डोंट नो वॉट, हद से ज़्यादा मतलब मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं. आई नो अबाउट सम ऑफ माई रिलेटिव्स के बच्चे, मतलब वो ऐसे ऐसे भारी बुक्स लेके बैठते हैं जहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, जो अडल्ट लोग पढ़ते हैं, मतलब भारी साइंस के बुक्स वगैरह. यू जस्ट 10-12 years old, क्या समझ में आएगा तुझे इसमें से? बट स्टीफन हॉकिंग का कुछ ब्लैक होल और ये टाइमलेस, क्या वो टाइम, क्या स्टीफन हॉकिंग का वो बुक है ना. सो कैन यू इमेजिन, इट लुक्स प्रैक्टिकली फेक, प्रैक्टिकली क्रिंजी दैट यू आर लाइक एडवर्टाइजिंग योर चाइल्ड इंटेलिजेंट. इफ द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, उसको बुक्स जूडो इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत नहीं है. एंड देन दीज चिल्ड्रन आर स्पीकिंग अबाउट सोशल मीडिया और इसका उसका ओपिनियन देंगे इसके उसके बारे में. हाउ मच डू यू नो, हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड? एनवायरमेंट के बारे में बोलेंगे, मतलब सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा तुम लोग करते हो, सबसे ज्यादा शोर तुम लोग करते हो, यू आर दोज यूजलेस कंज्यूमर्स जिसमें से कोई रिटर्न भी नहीं आते. समटाइम्स यू फील लाइक सेइंग सच थिंग्स, यू तो यू शट योर माउथ. इतने से पिद्दू अंडे में से निकला भी नहीं है पिल्लू और ये आंखें दिखा रहा है. बट वी हैव टू से अरे वाह वाह, तुम्हारा बच्चा कितना ब्रिलियंट है, और बड़े बड़े स्कूल में डालेंगे. मैंने बोला स्कूल का ब्रांडिंग बड़ा होने से क्या होता है, तेरे बच्चे में है क्या उतना ब्रेन या उतना मेंदू फॉर दो स्टडीज? नहीं है ना. नहीं, इनको क्या लगता है कि ये शो ऑफ करने के चक्कर में ना, तो ये दीज पीपल आर रेडी टू स्पेंड. इनके बच्चों के कपड़े भी देखो ब्रांडेड. मैंने बोला छोटे बच्चे को क्या समझ में आता है तूने क्या पहनाया है, उसको कैल्विन क्लाइन पहनाया है या क्या पहनाया है, नाइकी पहनाया है, रीबॉक पहनाया है, कौन से जूते पहनता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो इनके हाथ में स्मार्टफोन्स, टैबलेट, आईफोन. मैंने बोला कि ये ना नॉनसेंस है, ये विद अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मेरा बच्चा तो खाना नहीं खाता अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं है. 3 साल का है तेरा पिल्लू, नहीं खाता तो 2-4 लाफे मार के खिला, हाथ में मोबाइल होना जरूरी है? सो इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड क्रिंजी. अब एज आई सेड, तुम क्या कर सकते हो? और ये लड़कियों को भी ना अभी इतनी छोटी छोटी है, हीरोइन बनने का शौक है. हाउ ओल्ड आर यू? 5-6 years old. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं. मैंने बोला बराबर से अपनी पैंटी पहनना शुरू कर दे पहले, नहाना धोना तो आता नहीं, कांट इवन वॉश योर ओन बम. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए इन लोगों को, नॉनसेंस. सो आई डोंट थिंक वी शुड इनकरेज सच
बिहेवियर फ्रॉम चिल्ड्रन. वी शुड लेट देम बी चिल्ड्रन. अगर वो मिस्टेक्स करते हैं, दे आर चिल्ड्रन, दे आर सपोज टू फॉल डाउन, दे आर सपोज टू डू मिस्टेक्स, दे आर सपोज टू बी क्लम्सी, वी कैन करेक्ट देम. बट दिस ओवर एक्टिंग इज रियली इरिटेटिंग. दैट्स जस्ट माई टू सेंट्स. लड़कों को लड़कियां बनने का शौक है और लड़कों को लड़कियों को टॉम बॉय बनने का शौक है. मैंने बोला ये तो अच्छा है.